राम राम, नमस्कार। कैसे आप सारे सारे? तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में, जिसका नाम है LPG गेम्स। तो आज हम खेलने वाले एक बहुत ही कमाल का स्कूल हॉरर गेम, जिसका नाम है गार्डन ऑफ पैन 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 पैन, मतलब गार्डन नहीं है, गार्डन 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 इट्स गार्डन ऑफ पैन पैन। अब इस गेम का क्या मतलब है, क्या नाम है इसका, पता नहीं, पर एक ग्रीन कलर का मॉन्स्टर है, एक स्कूल की थीम है, ऐसा कुछ उसे मिल जैसे मैंने कहा वैसा कुछ गेम होने वाला है। तो चलो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधे गेम में एंटर होते हैं और खेलते हैं इस गेम को और देखते हैं कितना डरावना होने वाला है, कितना मजा आने वाला है, कितना मजा नहीं आने वाला है खेलने के बाद पता चलेगा। वेट करो, इंतजार करो। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलो शुरू करते हैं। वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, चलो थोड़ा कम कर लेते हैं। ओके ठीक है, जैसे कि तुम लोग यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे एक स्कूल की कंप्यूटर लैब जैसी जगह लग रही है। तो यहाँ पे कमाल की बात ये है, यहाँ पे 6 कंप्यूटर है और सिर्फ एक कुर्सी है। किस तरह का इंसान बैठता होगा यहाँ पे, या फिर मॉन्स्टर। ओके, लुकिंग फॉर देयर मिसिंग चाइल्ड, टाइम इज ए डेलिकेट मैटर, क्लिक द क्लॉक टू एडवांस टाइम। यहाँ पे कोई बच्चा खो गया है, ऐसा कुछ चल रहा है, हमें इस घड़ी पे क्लिक करना है। ओके बारह बज गई, एक मिनट एक मिनट। ये मॉन्स्टर की फोटो पहले भी थी, अभी आई है। ओके तुम देख सकते हो मॉन्स्टर की जो फोटो है वहां पे कुछ काला काला सा निशान सा आ रहा है। ओके अब यहाँ पे 3 बज रही है और काफ़ी अंधेरा है और लाइटें सब बंद है। ओके तो लाइट बंद होने के बाद हम सीधा गेम में यहाँ पे आ चुके। ओके अब हमारे हाथ में कंट्रोल है। ओके ठीक है, एक्सेसरी नॉर्मल कंट्रोल है। अच्छा, चीज़ों को उठाने तोड़ने फेंकने के लिए हमें ई का इस्तेमाल करना होगा। ओके ये क्या कह रहा है, क्या होगा इससे, स्पेस बार से कूद रहा है। ओके कूल ठीक है, चलते हैं। ये एक क्लास रूम जैसा लग रहा है, बैन बैंस किंडर गार्डन। अच्छा ये किंडर गार्डन है, छोटे बच्चों का स्कूल, राइट, जहाँ पे काफ़ी फनी दिखने वाले, सॉरी काफ़ी फनी दिखने वाले ये मॉन्स्टर्स बने हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 हॉट एयर बलून है, क्रिएटिविटी एरिया, ये हमारा जो इसका लोगो था इस गेम में मेन, जंबो जोश सेस ईट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स टू बिकम स्ट्रांग लाइक मी। अच्छा ये स्ट्रांग है, चलो स्ट्रांग हो ना हो लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, वेजिटेबल्स और फ्रूट खाओ और स्ट्रांग हो जाओ। ये रिसेप्शन जैसा लग रहा है मुझे, यहाँ पे 2 PC पड़े हैं काफ़ी पुराने ज़माने के, स्कूल का बजट कम है लगता है। ओके ये क्लासरूम है राइट, ज़्यादा बड़ी स्कूल नहीं है, बहुत छोटी स्कूल है। ओके रेड एंड ब्लू कलर के यहाँ पे बेंचेस है और ये एक मशीन है, जैसे पैसे डालते हैं कुछ खाने के लिए निकलता है, लेकिन अभी फ़िलहाल खाली है लगता है, काफ़ी टाइम से बंद है। ओके वहाँ पे एक स्पीकर लगा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये हैविंग मैनी आर्म्स अलाउ मी टू हेल्प अ लॉट मोर पीपल। चार तेरे पाँव और आम तो दो ही दिख रहे हैं भाई, 2 पाँव से खड़ा होता, 4 उठाता समझ में आता। चलो कोई नहीं जी, तो क्लासरूम देख ली, रिसेप्शन एरिया देख लिया, एक डस्टबिन नीचे गिरा दिया, ये क्या है, इसके अंदर से मैं दिख रहा है लेकिन समझ में कुछ आ नहीं रहा, ऐसे बाहर नहीं जा सकते क्या, ये क्या है। हेलो हेलो क्या हो गया, ये किस तरह का पासवर्ड जैसी कोई चीज़ मांग रहा है मुझे ऐसा लग रहा है अपन से। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये चाहिए कि हमें यहाँ से बाहर जाना है, समझ में कुछ आ नहीं रहा है क्या करना है यहाँ पे एक्चुअल में। लाल कलर का बजर है, सारे गेट्स है पर कोई भी गेट यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। कैफेटेरिया, एक सेकंड
ये वो बजर और यहाँ पे एक चाबी पड़ी है, राइट? हमने चाबी ले ली, मुझे लगता है इस चाबी से वो बजर खुलने वाला है। ओके बड़ी, और ये हमने, आहा देखा, उस चाबी से लॉक खुलने वाला था। ठीक है, अब हम अंदर चल रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पे एक ड्रोन पड़ा हुआ है और ये इसका रिमोट। ओके, हमने इसका रिमोट ले लिया है। उड़ेगा कैसे ये? द रिमोट रिक्वायर्ड टू बैटरीज। ओके, बिना बैटरी के चलेगा नहीं, हमको दो बैटरीज की ज़रूरत है। ठीक है, ढूंढते हैं यहाँ पे कुछ और है, अदर और नहीं है। ओके, हम इसके जा नहीं सकते। ठीक है, ओके, कुछ पेपर वगैरह यहाँ पे है। डियर मम्मी, आई एम हाइडिंग इन ग्रूम बट आई हैव, बहुत ही गंदी राइटिंग है भाई इसकी, आई हैव टू फाइट द मॉन्स्टर, इट इज द ओनली चांस टू मेक क्लेयर लाइक मी। ओके, ये मॉन्स्टर है, ये क्लेयर चेयर जो भी इसका नाम है, और ये भाई है। कहने का मतलब ये किसी को बचा रहा है, मॉन्स्टर को मारना चाहता है ताकि वो किसी की हेल्प कर सके, मतलब किसी की हेल्प कर रहा है, किसी की बचा रहा है। ओके थैंक्स बड़ी, हमने देखी हमारे पास ड्रोन है, पर स्टिल ये ड्रोन काम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे बैटरीज की ज़रूरत है। ओके, यहाँ पे बैटरी का एक निशान है तो सही, इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब तुम देख पा रहे हो। समझ में नहीं आ रहा हम कहाँ चले। यहाँ पे कोई बैटरीज वगैरह है? नथिंग, कुछ नहीं है, मुझे लगता है बाहर ही ढूंढनी पड़ेगी बैटरीज। यहाँ पे या बैटरीज कहाँ हो सकती है? अभी तक तो यहाँ पे हमें खोजबीन जैसी चीजें चल रही है। अपने ही पैरों की आवाज से डर जाएगा, मेरे को ऐसा लग रहा है, कैसी अजीब अजीब आवाज है। यहाँ पे पीसी है, पीसी में वैसे बैटरीज जलती तो नहीं है, लेकिन क्या पता, गेम है भाई, कुछ भी हो सकता है। बैटरी समझ में नहीं आ रही, सीरियसली कह रहा हूँ। कोई बात नहीं, कहीं तो होगी, चल चलते हैं। जम्बो जोश, हेलो जम्बो जोश, एक मिनट एक मिनट, ये बैटरी है? ओके, हमारे पास एक बैटरी है और हमें एक बैटरी और चाहिए। वो रही वो रही वो रही, एक ग्रीन पे थी, एक ब्लू पे है। ओके, नाउ वी हैव टू टू बैटरीज। एक क्यों दिखा रहा है भाई? दो बैटरी ली मैंने, एक वहाँ पे एक यहाँ पे, दो यहाँ ही गई होगी। चल देखते हैं अब वो ड्रोन। ओके मैं, ओके एक बार तो उसको देख के डर गया था, मैंने कहा ये क्या है जो अपने आप आ गया। क्या किया जाए इस ड्रोन का? देवी और सज्जनों, क्या किया जाए इस ड्रोन का? है ड्रोन तो अपनी मर्जी से ही गिरता पड़ता जा रहा है, जहाँ मर्जी आ रहा है, जहाँ मर्जी जा रहा है। वो एक रेड सा बटन है ना, क्या पता उसे दबाना हो। एक बार ट्राई करते हैं, जा भाई उस रेड से बटन के पास जा। कुछ हुआ ना तुम लोगों ने देखा? कुछ हुआ ना जब हमने उस रेड बटन को प्रेस किया था? ड्रोन में थोड़ा थोड़ा चलाना सीख रहा हूँ। नथिंग इज हैपन बड़ी, एक मिनट एक मिनट, वहाँ यहाँ पे सेम ऐसा एक और है। ओ भाई ड्रोन, उधर जा तनिक, उसको मार उसको। ओके ओके, तो इन दोनों को हमने खोल दिया ड्रोन से, और यहाँ पे एक गेट को। ये अजीब सी बतख सी देखने वाली आंटी अपन को देख रही है ना? ओ भाई साहब, लिटरली कितनी डरावनी है यार ये, मेरा मन ही नहीं करा जाने का वहां पे। हेलो, ए भाई ड्रोन, जा जा उसके पास जा एक बार। अरे भाई इधर थोड़ा साइड में घूम, साइड में कहाँ गया अभी ये? तू जा आगे, काम कर, मैं नहीं जा रहा, मेरे को डर लग रहा है उससे भाई।
सीधा खोपड़ी तोड़ना हालेगी। खोपड़ी तोड़ साले का खोपड़ी तोड़। उसकी तो खुद की टूटी पड़ी है। अरे कहाँ जा रहा है भाई, कहाँ जा रहा है? वहाँ जा ना, थोड़ा साइड साइड हो, साइड होके जा। मैं एक बार ड्रोन को आगे भेज रहा हूँ। हाँ, शाबाश। ओके भाई साहब, ये तो शक्तिशाली लग रहा है जीव। तो ड्रोन को रोक लिया इसने। ओ भाई साहब। चलो, काफी डरावना था यार ये। अभी धीरे धीरे पता चल रहा है स्कूल तो काफी बड़ा है। ओके, द एंड इज हियर, नॉटी कॉर्नर। अच्छा, जो बच्चा बदमाशी करता होगा उस कोने में उसे बिठा देते होंगे। पता नहीं क्या विचित्र सजा है ये। प्रोजेक्टर यहाँ लगा हुआ है, ड्रोन हमारे साथ है, और वो जो अजीब सा दिखने वाला पतक था वो यहाँ गया है। यहाँ पे जगह जगह बहुत सारे मैसेज लिख रखा है, काइंडनेस इज फ्री सो स्प्रिंकल इट एवरीवेयर। ये उबाम्बे, ये ब्लैक पैंथर के खानदान से है, वकांडा। कलर भी देखो ब्लू है। अच्छा वो सब ठीक है। यहाँ सब अलग अलग लॉक लॉक्स हैं यहाँ पे, जो मुझे लगता है खुलेंगे नहीं बिना किसी चाबी। मालूम है, मुझे पता, समझ गया मैं। इन सब की हमको कीज ढूंढनी पड़ेगी आगे जाने के लिए। ये जो है वो ऑलरेडी ब्लू है, पर इसकी चाबी हमारे पास थी ब्लू कलर की, हमने खोल ली है। ओके ठीक है। तो ये प्ले एरिया लग रहा है बच्चों का, जहाँ स्पीकर्स लगे हुए हैं, बहुत अच्छी लाइट्स लगी हुई है, डरावने से पेड़ लगा रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, एक सेकेंड भैया, 1 सेकेंड। ड्रोन, ए मेरे भाई ड्रोन, इधर आ यार। तुम्हें कुछ इकला मत छोड़ा कर यार जालिम गेम में। ए इधर आ, इधर आओ भाई। फिर कहाँ जा रहा है? इधर इधर कहाँ गया? कहाँ चला जाता है यार ये? वहां क्या कर रहा है? इधर आ, मेरे पास आ। वो दिख रहा है वो बतख सा, सीधा उसके पास जा 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 जा, सीधा उसके पास जा। बहुत बढ़िया, तू आगे आगे आकर मेरे। यही था ना जो देख रहा था वहां से। क्या पता हम इस बतख से डर रहे हो, पर ये बतख हमें कोई रास्ता दिखाना चाह रहे हो। ये चढ़ सकता है क्या? ओ वाह, क्या बात है, हम तो उसके ऊपर चढ़ सकते हैं। कूल यार, चढ़ सकते हो, फिसल भी सकते होंगे। अंदर जा सकता हूँ उसके? नहीं यार, ये गलत बात है, फिसलने की तो परमिशन होनी चाहिए ना, ऐसा थोड़ी ना होता यार। यहाँ से फिसलते हैं, यहाँ से फिसल सकते हैं। फिसला नहीं हो, मैंने ऐसे ही वो कर दिया, सही बोल। तो यही है वो अजीब सा दिखने वाला बतख, तो वहां पे हमें इशारे से बुला रहा था। ओके, बॉल पिट क्लोज्ड, ठीक है। ओके ओपिला अच्छा, मतलब उसको बहुत भयंकर भूख लगी है, मतलब कतई अगर खाना नहीं दिया तो ये अपने प्राण त्याग देगा। तो इसको अपन को 6 अंडे खिलाने हैं। ओके, फाइंड एग टू फीड ओपिला बर्ड, ठीक है मिस्टर ओपिला बर्ड। हाँ, पहला अंडा हमको मिल गया, अंडा नंबर 1। इसको हम अंडे खिलाएंगे तो हमको गिफ्ट देगा ये। अंडे खा रहा है कि परमाणु बम बना रहा है? कितनी खतरनाक आवाज आई है अंडे की इसमें। तो इस प्लेग्राउंड में अपन को 6 अंडे ढूंढने, 6 6 में से अब 1 ढूंढ चुके हैं और 5 बाकी है। ओके, हमें दूसरा अंडा मिल चुका है और अब हम ये आगे जा रहे हैं। ठीक है, इसका इंटरफेस काफ़ी अच्छा है एकदम, मतलब डरावना भी है ना, बचपन की भी यादें दिला रहा है। कूल, काफ़ी कूल है बड़ी। ठीक है ले भाई, खा ले दूसरा। निहायती गंदी आवाज़। ठीक है, अब हमें 4 अंडे और ढूंढने हैं। वाह, ये अंडे तो खुद पर खुद सामने आ जाता है यार, बहुत खुशी की बात है ये तो। ले ठूस ले,
ऐसा लगता है जैसे किसी ने वाइब्रेशन मोड ऑन करके मेरे कान के पास ही फोन रख दिया और ये अंडा खाता था, ऐसी आवाज आती है। ओके, हियर इट इज, एक और अंडा। नीले नीले अंडे खा रहा है भाई अपना है। ले भाई, कितने अंडे खिलाए आपने? 3 खिला दिए ना। ले खा जा। ओ हो रहा, एक और। 4 अंडे हो गए, ये पांचवा अंडा। ले भाई, पांचवा अंडा खा ले, मजे करो। यहाँ पे एक बच्चा खोया हुआ था और कुछ पेरेंट्स ढूंढ रहे थे और हम कंप्यूटर लैब में उसका सीसीटीवी फुटेज देख रहे थे, आई थिंक शायद ऐसा ही कुछ था। उसका क्या हुआ? मुझे लगता है वो आगे जाके कुछ पता चलेगा। ओके, तो सिर्फ एक अंडा बचा हुआ है और हमें वही ढूंढना है। एक अंडा और चाहिए, एक अंडा और चाहिए, एक अंडा और चाहिए। तुम लोगों को अंडा दिख रहा हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मुझे तो नहीं दिख रहा है। ओके, देखो हमने ऑलमोस्ट हर जगह जाके देखा। नाव में अंडा देखा, नहीं है। झूलों के पास अंडा देखा, वहां था पर अब नहीं है, ले लिया वो अपन ने। तेरे पास है अंडा, एक अंडा चाहिए खाली। देख तू दे दे, निकाल दे, पांच पांच खाए, एक तो निकाल, छोड़। एक टूटी फूटी जगह है और एक अंडा और चाहिए। यार एक अंडा कहाँ से लाऊं मैं? ऊपर चलते हैं, शायद यहाँ कुछ मिल जाए। यहाँ वैसे एक अंडा था पहले, लेकिन पता नहीं यार उसके अंदर नहीं। तो यहाँ से अपन को अच्छा नज़ारा दिख रहा है ऊपर का, तो यहाँ से छोटा सा अंडा है, कहाँ दिखेगा यार वो भी। पांच अंडे मिलने में इतना टाइम नहीं लगा, इतने से एक अंडे को मिलने में लग रहा है। मुझे लगा ही था ऐसा होगा। देखो पांच अंडे जिस हिसाब से स्पीड से मिले, जो पक्का यही लग रहा था कि आखिरी वाले अंडे में हमको टाइम लगेगा। ढूंढे तुझे बेवजह, तू अंडा लिटरली ये कहाँ गया? मैं इस पूरे राउंड के चक्कर निकाल चुका हूँ, मुझे कहीं कोई अंडा नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये अंडा तो हमें मिल नहीं रहा है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ये वैसा सा बजर है, देख रहे हो तुम लोग? एक मिनट, हमारा ड्रोन कहाँ है? प्रकट हो ड्रोन, ये रहा। इस बजर को दबा एक बार, जब कहीं कुछ काम नहीं आता तो मेरा ड्रोन काम आता है। ओके, कुछ हुआ तो नहीं? वापस एक बार। तो सा कलर चेंज हो रहा है ना, कुछ और हो रहा है। इसके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है इसकी पावर जनरेट करनी पड़ेगी। यहाँ कोई लाइट बटन है क्या? दिख नहीं रहा है मुझे तो। ये क्या है? एक सेकेंड। ओके, जैसा कि तुम लोगों ने देखा, मार जरा उसको। आहा, तो हमें यहां से इसका एक्सेस लेना था फर्स्ट। ठीक है, हमने इसका एक्सेस ले लिया। ये रहा हमारा छठा अंडा। भाई साहब कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुझे, एक अंडे की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। ले भुक्कड़ खा, आखिरी अंडा भी खा जा, ठूस जा। कब जेल भाई को बहुत गंदी बात, जैसी आवाजें निकाल रहा है कसम से।
भाई खिला दिए 6 अंडे तुझे, अब तो गिफ्ट क्लेम योर रिवॉर्ड। अच्छा इसके मुंह में, चल अच्छा तेरे मुंह में इसका रिवॉर्ड है ऐसा, मुझे तो नहीं दिख रहा कहीं। भाई साहब कहाँ है? कहीं और से तो नहीं आ रहा है? नहीं यार मुंह ही बोला है इसने। कोई नहीं, तो किस चीज का एक्सेस मिला है हमें इस, ये क्या है? ये मिल गया है, मतलब हमें इसका एक्सेस मिला। ओके क्या हुआ इसके एक्सेस से, क्या कर लिया हमने? यहाँ पे एक और बजर है जिसको मुझे लगता है हमें मारना है। मारेंगे तो तब जब ड्रोन यहाँ तक आएगा। भाई यहाँ आ ड्रोन, ड्रोन को यहाँ बुलाना पड़ेगा। तो उनका भी नेटवर्क थोड़ा सा वीक है, लेकिन इससे एक्सेस से हमने कर क्या लिया मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। इसको दबा जरा, आ जाएगा ना? आजा आजा आजा, हाय हाय मेरा प्यारा ड्रोन। हाँ नहीं, गलत गलत समझ रहा है तू, तो समझ नहीं रहा है बात को, मेरी बात नहीं समझ रहा है तू तो। देख थोड़ा साइड से जा, सीधा अंदर ऐसे घुस जा उसके बिना कांच से लड़ते हुए। एक और तो नहीं, एक और एक और एक और, तो पीछे हट जा पीछे हट जा, कहाँ टूटने वाला है। एक और दे, नहीं, जोर से देना पड़ेगा, जोर से देना पड़ेगा। लिटरली कांच, अच्छा तोड़ ही दिया कांच। यार कांच टूटा, आवाज नहीं आई, ये क्या बात हुई? जोरदार शोर आना चाहिए था। ओके क्या है? डिस्ट्रैक्शन, चलो तो खतरा तो ले लेते हैं। वो मॉन्स्टर दिख गया तो खोपड़ी ओपड़ी तोड़ने का काम आएगा। क्या किया जाए इस हथौड़े का? एक मिनट, हमारे पास एक हथौड़ा है, यहाँ पे कुछ कीलों से ठोका हुआ दरवाजा है, इसको बंद किया गया है जरूर। बहुत मुझे लगा ही था। और मेरे साथ ही रहे भाई तू। तो अब हम फाइनली अंदर आ, अच्छा वो कूद के नीचे जाना है। ओ भाई तो रहने दे, खून के पंजों के निशान इसी मॉन्स्टर के ससुरे की, ये ठीक नहीं लग रहा है मेरे को, शुरू से ठीक नहीं लग रहा है। जंप करने क्या जरूरत है जब मैं पैदल ही चल के जा सकता हूँ? यार क्या लिखा हुआ है? ओपिया बट सेज लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, सो मेक श्योर टू स्माइल। गेम भले ही डरावना हो, मैसेज बढ़िया बढ़िया दे रहा है, ऐसी बात नहीं। एक्सेस नहीं है इस पर, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। ओके डोर है, इमरजेंसी स्टॉप। एक मिनट ही क्या है? ये क्या हो रहा है? ये एक हवा में लटकती हुई सोफा आ रही है यहाँ पे, ठीक है क्या करूँ? मैं सोफा पे चढ़ जाऊँ? ओके चढ़ गया। अभी अभी क्या करना है आगे? ओ भाई नीचे गिरना मत, जाने नीचे गिरना मत भाई तू। हाँ अभी क्या? अच्छा ये भी हो गया चालू। ओके ये मेरे को डरावना कम और सस्पेंसफुल ज़्यादा लग रहा है। आई लिटरली आई इंजॉय दिस, मुझे मज़ा आ रहा है इसमें यार। अभी तक तो मुझे कोई खास डर नहीं लगा सिवाय उस पक्षी के, जो वो पक्षी हो देखा था ना इससे, तब जरूर डर लगा, उसके अलावा डर नहीं लगा। ट्रेन वाली आवाज़ निकाल रहा है भाई अपना, ट्रेन वाली पीली वाली की है हमारे पास। हमारे पास दो कीज अब तक, ब्लू एंड येलो। जा रहा है तू? तुसे जा रहे हो? तुसे ना जाओ, अच्छा ठीक है जाओ। तो हम यहाँ आ चुके हैं या हाँ? ये क्या हुआ इसको? ओके यहाँ पे इन्होंने ये धंधा चालू किया है बच्चों को घुमाने का इधर उधर, तो छोड़ो कोई पर्ची। ओके
टू प्ले विद द होल। होल से क्यों खेलना है तुझे यार? बट एवरी वन लेफ्ट मी, एवरी वन हैव पार्टी विदाउट मी। मिस मसॉन सी मी बट गो, आई एम स्कैर्ड बिकॉज होल इज लाउड एंड माई फ्रेंड स्क्रीम इन इट बट बर्ड इज फनी। ये अलग अलग कलर में लिखे हुए हैं, इसका मतलब हो सकता है ये अलग अलग मॉन्स्टर्स ने लिखे हों। ठीक है, जो भी है, इसका कुछ खास मतलब तो अपने पल्ले पड़ा नहीं। ओके, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 मॉन्स्टर्स की अलग अलग फोटो, और ये पूछ रहे हैं कि भैया हमारा कौन सा कलर है। येलो। ओके, हमें बताना है कि इनका कौन सा कलर है। अरे यार शिट, ओ शिट शिट शिट। देखो मुझे कुछ के कलर पता है, मैं बताता हूँ। देखो इसका तो अपन को पता ही है, ये तो हमारा मेन मतलब मेन प्लेयर है, इसका कलर ग्रीन है। ओके बड़ी, ये हमारा पिंक है पक्षी। ओके, ये मुझे याद आ रहा है, मैंने ब्लैक पैंथर बोला था इसको। ये ब्लू कलर का है, गुड। ये रेड कलर, ये रेड ही है। अरे ओके सॉरी बड़ी, ये रेड ही है। हाँ रेड रेड। ओके, अब जब ये सब कुछ हो चुका है तो बात है इन दोनों की। यहाँ मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ क्योंकि इन दोनों का क्या कलर है मुझे आइडिया नहीं है, तो यहाँ पे हम उनको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। हमारे पास ग्रीन पिंक ब्लू एंड रेड, ये कंफर्म है, मतलब इन दोनों के कलर जरूर कुछ अलग होंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो हम ट्राई करते हैं, ब्लू हमारे पास ऑलरेडी है, ग्रीन ऑलरेडी है, हाँ ऑरेंज एक बार ट्राई कर सकते हैं, येलो। इज दैट राइट? नो, अगर ये राइट होता तो जरूर गेट खुल जाता। एक काम करते हैं, इसको ऑरेंज दे देते हैं। ओके, हमारे पास एक्स्ट्रा ऑप्शंस है डूड, शिट। एक काम करते हैं, इसको येलो करते हैं, इसको ऑरेंज करके देखते हैं एक बार। वाह, कंफ्यूजन हो रही है मुझे। क्या कलर हो सकता है इसका, मुझे ध्यान नहीं है बिल्कुल भी। इन सब का कलर कंफर्म है, ये भी मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं इसको थोड़ा चेंज करके देखता हूँ। ये शायद रेड नहीं था, ये सिमिलर कलर था रेड से। ये तो खुल गया, पर ये कलर कौन सा था? ये तो ग्रीन हो गया, ये ग्रीन थोड़ी था, ये सिमिलर था, आई थिंक ये ऑरेंज कलर था, पर शो नहीं हुआ। कोई नहीं, हमारे पास एक चाबी है। ओके ठीक है, काफी डरावनी आवाज। अरे बेटा भाई साहब, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है यार? नहीं 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 नहीं, कुछ ही नहीं बिगाड़ा मैंने तेरा, जाना यहाँ से। ओ शिट ओ शिट ओ शिट ओ शिट, नहीं 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 नहीं, ड्रोन मार इसको, ड्रोन मार इसको, ड्रोन मार इसको, मार इसको मार। अरे इसको मार ना भाई, कब मारेगा? ओ शिट, जैसे जैसे मैं हिल रहा हूँ ये भी हिल रहा है। बता नहीं सकता हूँ यार, सीरियसली अगर तुम लोग देख सकते हो तो देखो, मेरे गूस बम्स निकल रहे हैं, रोंगटे खड़े हो गए यार मेरे, लिटरली रोंगटे खड़े हो गए। ओके ओके, ड्रोन समझ गया, अपन को इससे बचना है, और इसको जल्दी उसे मार। शेट शेट शेट, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पावर क्यों नहीं है? मैं लाइट कहाँ से लाऊं यार, ये जा। यार ये ड्रोन भाई, यही रहना यार तू।
अबे जा, दूर रह, पाप लगेगा साले। अबे कोई बचाओ, यही यही आ रहा है, इसको मार। अरे भाई साहब, अबे भाग, अबे कौन सी स्प्रिंटिंग बता रहा है भाई। ये लिटरली बहुत हॉरर है यार ये पक्षी। मैंने नहीं सोचा था कभी कोई पक्षी इतना डरावना हो सकता है। मैं शर्म आती है, तू यही रहना मेरे भाई। ऐसा क्या देख रहा है साले लाले, उधर मुंडी कर ले, जरा नजर हटा ले। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, मार उसे भाई, रहना तू। मैं तेल लेने जा तू। अबे अरे साहब, मैं दूर रह मुझसे तू यार। ए ड्रोन तैयार है ना भाई, अभी 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 मार से मार, जल्दी मार, वो आ रहा है। अबे मरने के बाद मारेगा क्या, खोल खोल खोल, भाग 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 भाग, पीछे मुड़ के नहीं देखना है, पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है। मम्मी सब हाँ, तू इस बार तेलो ना छोड़ेंगे, ससुर के नाते बहुत हो गया तेरा। एक सेकंड, हमारे पास जो यहाँ की थी वो की हमें उस रेड वाले में डालनी है ताकि वो गेट खुल जाए। ओके अब आ तू बेटे, जा डरावनी शक्ल के। तैयार है ना ड्रोन, अभी अभी, अरे अभी यार, इतना ढीला ड्रोन है ना ये। चल 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 चल। अबे तेज चल ला तेरी तो। भाग, ये गेट, आने दे उसको इस बार। चाबी वहां लग नहीं रही है, तुम समझ रहे हो, मैं वहां लगाने की कोशिश कर रहा हूँ पर वो लग नहीं रही है। इतनी डरावनी शक्ल बना के घूमता है साले, कभी शीशे में देख ले बेहोश हो जाएगा, कसम से कह रहा हूँ। मार इसे, अरे वो आए उससे पहले मार। तो साला तू मेरी साइड है कि उसकी साइड है, तू वहीं खड़ा रह जा है, तू वहीं खड़ा रह जा है, तू आगे आया ना कसम से तेरे को। आंटी बंटी संटी जो मेरे पास आया उसकी माँ की आंख, भागो भाग 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 भाग। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, मैंने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है, हे भगवान। बच गया, मैं बच गया। ओ भाई साहब बच गए, कसम से बच गए, हम निकल गए वहां से। वो फाइनली हमने पार कर लिया उसे। हाश, तुम लोगों को बेवकूफ समझ रहे हो गया ना कि वापस क्या करने जा रहे। वो गायब हो गया नहीं, अरे तेल लेने चाहिए यार। चल चलते हैं यहाँ से, अब हमें आगे चलना होगा, हमारे पास कुछ चाबियां हैं तो। स्टिल एरर, आहा ऑरेंज चाबी मिली थी तो वो हमें मिल गई। खुल जा सेम सेम, हम आ गए। ये क्या है, हेलो, तो बंद है ना कहीं, कोई लाइट स्विच तो डेफिनेटली है। बॉक्सेस के पास नहीं है, यहाँ नहीं है, कंप्यूटर टेबल पे नहीं है। यहाँ एक मिनट, एक मिनट,
एक मिनट, आहा, ठीक है, हमारे भाई ड्रोन मारो। ये सच्चा साथी है मेरा, ये सच्चा साथी है भाई। तू नहीं होता तो क्या होता मेरा, लेकिन क्या हुआ, कैसा, कुछ भी तो नहीं। स्टिल इसमें एरर बता रहा है, इसमें हम अंदर नहीं। एक मिनट, ये क्या हुआ, कहाँ जा रहा है ये? ओ भाई, ये हेलो अंकल, मैं आगे नहीं जा पा रहा, चाह के भी आगे नहीं जा पा रहा है, इन्होंने रास्ता ब्लॉक कर दिया। ए भाई ड्रोन, तू इधर आ जा, तू मेरे पास आ जा, तू मेरे पास आ जा, तू मेरे तो दूर मत जाना भाई। ये लगता है कोई स्टेज प्रोग्राम होने वाला है यहाँ पे। बुझना है भाई, साहब जोरदार जंप मारी। अभी तो ड्रोन मेरे साथ रहना भाई, अभी क्या करूं। ऑरेंज की हमारे पास है, हाँ ढीले डालने से है ये, यहां से टूटा, यहां से भाग सकता हूं ना मैं, क्या फायदा इसको लगाने का। भाई साहब इसके लिफ्ट कतई खराब है, क्या बिगाड़ा क्या है मैंने तुम लोगों का, बहुत गंदी आवाज आ रही है कसम से कह रहा हूँ। शेट, यहाँ तो कोई भागने की, अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, ओ शेट मम्मी, अरे कोई बचाओ मेरे को इससे। हेलो, ओके, मैं समझ गया, मतलब ये इसका पहला पार्ट था द गार्डन ऑफ बन बन का, और यहाँ पे जो अलग अलग मॉन्स्टर्स हैं टोटल, वो मतलब ये अलग अलग चैप्टर वाइज आ रही है। फर्स्ट चैप्टर था इसका, हमारा पहला मॉन्स्टर था वो अजीब से दिखने वाला पक्षी, ठीक है, और आगे वाले में मुझे लग रहा है ये लाल जो आदमी दिख रहा है सर, लाल कलर का मॉन्स्टर, ये अगला मॉन्स्टर होने वाला है, राइट। तो हमने पहला चैप्टर बहुत ही कमाल की तरीके से क्लियर किया, बहुत मजा आया, बहुत डर भी लगा, लेकिन वाह मस्त गेम था यार, अच्छा था, बहुत बढ़िया गेम था। तो जल्दी हम मिलेंगे इस गेम के अगले चैप्टर के साथ, द गार्डन ऑफ द बर्बन चैप्टर 2, नए मॉन्स्टर के साथ, नए मजे के साथ, नए जोश के साथ, नए फीलिंग्स के साथ। तो तुम लोगों को कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर तुम लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, कमेंट करके बताना कि तुम्हें भी मुझसे डर लगा या नहीं, या तुम्हें भी गूज़बम्प्स आए नहीं आए। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में नए गेम के साथ, मैं मोहित शर्मा आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पूरी वीडियो देखने के लिए, तो बहुत जल्दी फिर से मिलते हैं।